घुमंतू भेड़ पालकों ने समय से पहले ही इस बार पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। इन दिनों बड़ी संख्या में घुमंतू मेरे पालक चूड़धार घाटी की तरफ रवाना हो रहे हैं। घुमंतू भेड़ पालक इस बार समय से पहले ही मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ रवाना हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि मैदानी इलाकों में इस बार गर्मी जल्दी बढ़ने लगी है। अमूमन भेड़ पालक अप्रैल माह में ही मैदानी इलाकों से चलना शुरू कर देते थे। इन दिनों भेड़ पालक बड़ी संख्या में सिरमौर जिला के बनेठी, रेणुकाजी, संगड़ा, हरिपुरधार क्षेत्र से होते हुए चूड़धार घाटी की तरफ रवाना हो रहे हैं। भेड़ पालकों ने बताया कि बाहर जल्दी गर्मी पड़ रही है, इसलिए वे पहाड़ की तरफ रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ने के कारण उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि भेड़े गर्मी में घास चुगना बंद कर देती हैं और गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों के कारण उनके मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। भेड़ पालकों ने बताया कि जून माह के अंत तक वे चूड़धार घाटी से होते हुए लाहौल स्पीति पहुँचते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान उन्हें कई समस्याओं से भी जूझना पड़ता है, खासकर उन्हें जंगली जानवरों से खतरा और पशुओं के चोरी होने का डर बना रहता है। लाहौल स्पीति से चले हैं, सरमौर से अब हम वापसी ले रहे हैं और फिर लाहौल स्पीति जा रहे हैं। अब यहाँ गर्मी पड़ गई, तब इस तरफ हमारा माल जब वो गर्मी में नहीं रुकता यहाँ, तब हम ठंडे इलाके में जा रहे हैं। ऊपर कितना समय वहाँ तक पहुँचने में लगता है? 2-2.5 महीने लेंगे, 15 जून तक पहुँचेंगे भाई। यहाँ सामने होते भाई, यहाँ भेड़े नहीं चुकती हमारी, खड़ी हो जाती हैं, ये चक्कर है भाई, और कुछ नहीं। अब गर्मी पड़ने पर हम ऊपर जा रहे हैं लाहौल स्पीति, फिर गर्मी हो जाती है ऊपर, जब सात का मौसम आता है तो हम ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं रह पाते? यहीं पे गर्मी है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है। दिखते तो आती है, कोई चोर है, कोई क्या है, चल आती रहती है, रोड में चलना होता है, कभी रात को कोई चोर जा रही है, चली रहती है। PLTV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, नाहन।